हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिलाष और आप देख रहे हैं टीआरएफ रिव्यू। फाइनली केडीएम ब्रांड के हमारे पास सबसे लेटेस्ट और नए ब्लूटूथ हेडफोन आ चुके हैं, जिसका मॉडल नंबर है केडीएम A3। इसके पहले भी हमने A2 और A1 का अनबॉक्सिंग किया था, इसके लिए हम A3 भी आपके लिए लेके आए हैं। सबसे लेटेस्ट और नया प्रोडक्ट आया है ये, तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप इसका बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पे केडीएम ब्रांड का लोगो दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है केडीएम A3, इसका मॉडल नंबर A3 एक्टिव प्लस। यहाँ पे दिया गया है 25 घंटे ये टाइम चलेगा। ईयरफोन वायरलेस है ये, इसका यहाँ पे फोटो दिया गया है। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में भी लिखा गया है मॉडल नंबर और डिटेल्स। यहाँ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वायरलेस है, यूज फॉर स्पोर्ट्स। बैटरी बैक, बैटरी की बात करें तो 210 mAh का बैटरी दिया गया है। यहाँ पे माइक्रोफोन है, इन ईयर डिजाइन, मतलब आपके कान में कंफर्टेबल फिट हो जाएगा और बास भी काफी कंफर्टेबल आपको सुनाई देगा। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर भी दिया गया है और प्राइस भी दिया गया है 1599, और ये मार्च में ही लॉन्च हुआ है। सबसे पहले हम आपके लिए इसका वीडियो लेके आए हैं सबसे लेटेस्ट। और यहाँ पे QR कोड भी दिया गया है, जिसे आप स्कैन करके KDM की डिटेल्स जान सकते हैं। और इसका सर्विस सेंटर भी बॉम्बे में दिया गया है, जिससे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर और बाकी सब डिटेल्स भी दी गई है। ईमेल आईडी भी आपको दिया गया है। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं केडीएम ब्रांड का एक बुकलेट दिया गया है यहाँ पे। थैंक यू फॉर चॉइसिंग द केडीएम। दो ईयरबड्स दिए गए, अब अपने कान के हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपका ये ईयरबड्स खो जाता है तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसका चार्जिंग केबल दिया गया है, जो USB 2 V8 केबल है, छोटा केबल है। आपके फोन के चार्जर से भी आप इसे यूज कर सकते हैं चार्जिंग करके। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। और बॉक्स में कुछ नहीं है अंदर। तो चलिए हम अपने प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का है हमारे पास, जो अभी अवेलेबल है। सिल्वर कलर में भी आता है, यहाँ पे जो ब्लैक कलर दिया गया उसकी जगह वो सिल्वर में आएगा। और ये सबसे लेटेस्ट है A3 मॉडल, इसके पहले भी हमने A1 और A2 का अनबॉक्सिंग किया था। ये काफी ज्यादा दिया गया है A1 और A2 से, और ये पूरा टोटली रबर मटेरियल यूज किया गया है A3 मॉडल में, और काफी स्मूथ और काफी अच्छा। आप इसे कैसे भी बैंड कर सकते, इसे कुछ भी नहीं होगा। और केबल की बात करें तो यहाँ पे भी केबल के ऊपर एक रैपिंग किया गया है, जिससे केबल अगर खींच जाए तो भी कटने का डर नहीं रहेगा। यहाँ पे भी केडीएम ब्रांड का लोगो दिया गया है। इसका मेन पावर बटन ये है यहाँ पे बीच में, बैक साइड पे यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। वॉल्यूम के लिए, प्लस माइनस के लिए बटन दिया गया है। तो चलिए इसे फोन के साथ कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे भी केडीएम ब्रांड का लोगो दिया गया है और थोड़ी देर तक हमें ये बटन प्रेस करके रखना है। रेड और ब्लू लाइट होगा, वैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, कनेक्ट हो जाएगा अभी ये। जैसे कि आप देख रहे हैं कनेक्ट हो चुका है केडीएम A3 एक्टिव प्लस। तो चलिए इसके साउंड क्वालिटी की और बाकी सब फीचर्स की बात करते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके डिजाइन की बात करें तो काफी अच्छा और काफी डिफरेंट मॉडल डिजाइन किया गया है इसको। A1 और A2 से काफी अलग है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बैक साइड पे इसका लोगो भी दिया गया है और काफी कंफर्टेबल फिट हो जाता है कान में। इसके केबल की बात करें तो केबल काफी शॉर्ट और काफी अच्छा दिया गया है, खींचने का कोई डर नहीं रहेगा आपको इसके अंदर। तो चलिए इसके साउंड की बात करते हैं।
काफी अच्छा और क्लियर साउंड सुनाई दे रहा है। बास भी काफी अच्छा है, A1 और A2 से काफी बेटर और काफी अच्छा सुनाई दे रही है। बास क्वालिटी भी इसकी काफी बेटर है, काफी मतलब काफी अच्छी दी गई है इसके अंदर। इंस्ट्रूमेंट भी जो भी सुनाई दे रहे वो भी काफी कंफर्टेबल और अच्छे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल भी ये कान में लग रहा है। अगर आपको ऐसा कुछ फील होता है तो आप एक दो पॉइंट कम करके भी इसका सुन सकते हैं। नॉइस कैंसलेशन भी दिया गया है, आपको बिल्कुल भी बाहर का साउंड सुनाई नहीं देगा। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आपको बिल्कुल भी बाहर का साउंड सुनाई नहीं देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कान में कंफर्टेबल एकदम फिट हो चुका है। केबल भी काफी छोटा दिया गया है तो केबल भी खींचने की जरूरत नहीं है। और ये मैग्नेट भी है तो आप इसे मैग्नेट भी कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और इजीली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा ये। साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा दिया गया है इसके अंदर, A1 और A2 से काफी बेटर है जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये ब्लैक और सिल्वर कलर में आता है जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर है इसका जो दूसरा मॉडल है उसमें, यहाँ पे आपको सिल्वर कलर में ये मिल जाएगा। और ये थोड़ा अच्छा लगता है, फिनिशिंग दिया गया है और KDM का लोगो भी यहाँ पे दिया गया है। A3 रिगार्डिंग प्रोडक्ट रिगार्डिंग मैंने आपको सारे फीचर्स और सारे डिटेल्स आपको बता दिए। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस चैनल पे हम जो भी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते हैं वो हम खुद के पैसे से परचेस करते हैं या फिर दोस्तों से लेके आते हैं। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कीजिए ताकि हमें अच्छा लगे और हम भी आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेके आ सके। थैंक यू सो मच।